हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखा आपने भी, देखते चलो। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वेश्चन दे रखा है आपने को कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये जैसे आपका ट्राइंगल बनता है एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल, यानी इसकी सभी साइडें क्या आपस में इक्वल है, और एंगल भी कितने डिग्री बनते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में? 60 डिग्री, और ये भी आपका 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक ठीक है। एरिया दे रखा है इसका 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखा 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, हर एक वर्टेक्स, जैसे ये वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इनके सेंटर ए बी सी हो गए, तो इन पे क्या बना दिया हमने? एक सर्कल बना दिया। तो सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ। अब इस पूरी साइड का हाफ पे क्या बना दिया हमने? सर्कल, यानी हाफ ये इसकी साइड का आधा है, आधा ऐसे करके अपने सर्कल बना दिया। इसके पूछा है कि ये जो सेंटर रीजन है इसका एरिया कितना होगा? इस रीजन का एरिया हमको फाइंड करना है, कौन सा इस सेंटर रीजन का एरिया। अब देखो, सबसे पहले तो अगर एरिया चाहिए तो सर्कल की रेडियस चाहिए, क्या चाहिए? रेडियस। अगर मैं स्टार्टिंग की वजह लास्ट सर्कल बताऊँ, तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो समझिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप मुझे खुद बताइए, अगर आपको ये एरिया चाहिए तो अपन क्या करें, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला पार्ट का एरिया कितने से, ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, ये इतना से एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया बच जाएगा। क्या करना है, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से, इस ए बी सी ट्राइंगल के एरिया में से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो ये एरिया बच जाएगा। अब ये वाला पार्ट ये क्या समझिए, तो जैसे मेरे सर्कल हो गया तो ये सर्कल का क्या बनता है? सेक्टर। ऐसे ये सर्कल का ये भी क्या बन रहा है? सेक्टर। ट्राइंगल ही बन रहा है, क्या बन रहा है? सेक्टर, कुछ इस तरीके से। बच्चा बच्चा दिख रहा होगा ट्राइंगल, ट्राइंगल ये सेक्टर है, ठीक है। पीछे होगा ना, पीछे से कोने जैसे, या तरबूज की वो किनार जैसे, तो ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा। तो अपने पास 1, 2 और 3 सेक्टर है, तो अपन क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के एरिया में से ये तीन सेक्टर अगर माइनस कर दूंगा तो ये बीच वाला एरिया बन जाएगा। ये पॉइंट, यानी अपन क्या करेंगे, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? इन सेक्टर के एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, और कितने सेक्टर है? मल्टीप्लाई बाय 3 सेक्टर है। अब सेक्टर का अगर फॉर्मूला लगाया अपन, तो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का? वो आपको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर चाहिए, क्या चाहिए पहले अपने को? आर। तो अब पहले अपना मशक्कत जो करना, इससे पहले इधर अपन क्या फाइंड करेंगे? आर किसकी? इस सर्कल की जो रेडियस होती है, ठीक। तो कैसे फाइंड करना वो समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका। अच्छा, मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर, और इक्वल में 173.205 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब अगली स्टेप देखिए, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, दे रखी पूरी तरह, देता हूँ √3 की वैल्यू 173.205, ठीक, अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में क्या है, साइड और पूरे का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 173.205। ओके, कोई दिक्कत बात नहीं। साइड का स्क्वायर है, ये साइड का स्क्वायर इस तरह से चल रहा है, इन दोनों वैल्यू को उधर भेज दूंगा इक्वल की उधर, यहाँ 173.205, ठीक। ये जो वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर अपॉन में 1.7320 यानी पूरा कौन का कोर उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू इक्वल की उधर जाएगी, ऊपर चले जाएगी, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके अपॉन में आगे अपॉन है। अब यहाँ पर अपन डेसिमल हटाते हैं, अगर मान लो ये डेसिमल हटा तो कितना लगेगा? एक नंबर है डेसिमल, तो 1 0 वाला, नंबर 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर
अगर यहां से मैं डिस्टेंस हटाऊंगा तो बनता है क्या, लेकिन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, तो वन टू थ्री फोर फाइव आ जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब कुछ कटा हुआ देखो, वन सेवन थ्री टू जीरो फाइव, वन सेवन थ्री टू जीरो फाइव, इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी यहाँ पर साइड का जो स्क्वायर निकल के आ रहा है कितना आएगा देखिए, साइड का होल स्क्वायर, तो लिखा मैंने साइड का होल स्क्वायर इक्वल फोर मल्टीप्लाई, अगर इसका होगा तो कितना होगा, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर आ जाएगा। अच्छा अभी स्टेप फाइव जो, तो स्टेप थ्री दिया तो फोर मल्टीप्लाई स्टेप लिखा मैंने अपने को वन टू थ्री और फोर आ जाए फोर जीरो, ठीक है। तक ये यहाँ तक नोट कीजिए, ये आपको भी नोट नहीं करना है, ये मैंने आपको समझाया था, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद आगे क्या करना है समझिएगा, क्वेश्चन सिंपल है, बस अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी इसे इसी क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, क्या करना है वो अपने को समझ आना चाहिए। अब इसके बाद और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितना प्रैक्टिस करो उतना फायदा। लिखा साइड का होल स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर हटेगा तो ये अगले रूट रूट लग जाएगा, तो मैं चलो स्क्वायर हटा दिया, और क्या लगा दिया एक बार रूट, रूट में फोर मल्टीप्लाई वन फोर जीरो फोर जीरो, ये आपका 10,000 है, ठीक। अब अगर आप इसको रूट से बाहर निकालोगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, फोर को लिखते होंगे आपको क्या, टू मल्टीप्लाई टू, इसको लिख सकते हैं टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन मल्टीप्लाई टेन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, आज इसको टू इंटू फाइव, टू इंटू फाइव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू निकल के आएगी, डबल टू से एक टू, दो बार टेन से एक टेन, डबल टेन से एक बार टेन, यानी साइड आ जाएगी निकल के यहाँ पर टू टेन जर ट्वेंटी, ट्वेंटी टेन जर टू हंड्रेड, टाइम चलता था आपका सेंटीमीटर में, तो 200 सेंटीमीटर या जाएगी साइड। तो आपके पास साइड की वैल्यू निकल के आ गई कितना, आ गई आपका 200 सेंटीमीटर, यानी ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है इसकी साइड आ गई आपके पास, और कितना है ये 200 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपने स्टडी देखा था कि इसका आधा ही क्या है रेडियस, हाफ इसकी भी रेडियस, हाफ आप सब क्या होगी रेडियस, ये 200 का आधा रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, तो 200 का हाफ क्या होगा, तो लिखते हैं वापस, गिवन देयर, गिवन देयर रेडियस ऑफ द सेक्टर वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ द साइड, साइड का आधा, यानी अगर मैं रेडियस लिखूं आर और 200 का हाफ करेंगे अगर अपन, तो कितना आ जाएगा 100, यह लिखा हमने रेडियस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक। क्लियर आता है, तो रेडियस वैल्यू आ गया अपने पास। अब इसके बाद अगले स्टेप देखते हैं, आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद आपके स्टेप आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्टेप, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, मैंने आपको विस्तार में समझाया था, अगर आप सेवन रीजन का एरिया चेंज क्या करो, इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में से ये सेक्टर के एरिया माइनस कर दो, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है देखो, क्वेश्चन के अंदर निशान दिखा रखा है, कितना आपका इक्विलेटरल का एरिया वो लिखा है 17,320.5, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि वन टू थ्री सेक्टर आपके। अब यहाँ पर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, जल्दी से वीडियो पोस्ट करके। अच्छा यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो लिखे क्या हो जाएगी, थीटा कितना होगा लिखते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर, और कितना एंगल है यहाँ पर थीटा, देखिए इक्विलेटरल कितना एंगल होता है यहाँ पर 60 डिग्री, तो पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर ये पोस्ट। अब इसके बाद अगले स्टेप वन आगे शुरू करेंगे, वीडियो को सुन लिया नोट जरूर करें। अब इसके बाद आगे देखिए क्या हुआ, तो चलिए इस फॉर्मूले को करते हैं इसके बाद।
तो ये है 17,320.5 माइनस थीटा की जो वैल्यू है कितना 60/360 मल्टीप्लाई पाई के लिए क्वेश्चन दे रखी है। देखो देखिए पाई के लिए कितना दे रखी है 3.14, ये रखा पाई के लिए 3.14, आर को रेडियस रखा है 100 का स्क्वायर, तो कितने टाइम से चैप्टर थ्री टाइम इसको सॉल्व कर लेते हैं 17,320.5 माइनस 1,0,6,6,6,36 1/6 मल्टीप्लाई 3.14 100 का स्क्वायर कितना टाइम 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय थ्री हो जाएगा। अगर कोई हटेगा तो कितना लग जाएगा आपका 100 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के और डेसिमल के दोनों में आते 100 से 100 कैंसिल 3 1 3 3 2 6 हो जाएगा यानी 17,320.5 और कुछ कटा तो देख लेंगे कटा 2 1 2 2 1 2 वन बचा 10 हो जाएगा 2 5 10 बहुत सुन बचा 14 हो गया तो 2 7 14 तो यहाँ हो जाएगा 1,57,100 का मल्टीप्लाई कर तो नेक्स्ट है आपका 17,320.5 माइनस इसका मल्टीप्लाई करिए 1,57,100 से माइनस ना था अपने को तो आप माइनस करके आगे इसका आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए माइनस क्या कर सकते हैं जो फिर आपने 17,320.5 में से 15,700 माइनस किया पॉइंट पीछे कुछ नहीं 0 5 0 2 घेर देना पड़ेगा 13 में 7 जाएगा तो 6 आ जाएगा आपका बच्चा 6 6 5 1 0 तो आपका आंसर देखिए क्या 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेंटर जैसे बना आपका वो निकल के आ गया 1,620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका इस सेटेजन का एरिया की कोई काफी है। तो चलिए ये क्वेश्चन आप घर पे एक बार और ट्राई करें और अगर कहीं नहीं समझ आता है तो वीडियो को वापस से एक बार और समझिएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।